वेलकम व्यूअर्स, ये 630 स्क्वायर फीट का हाउस प्लान है। ये मेनली बनाया गया है रेंटल पर्पस से, मतलब आप इसको रेंट में दे सकते हैं, इसी हिसाब से हमने इसको बनाया हूँ। और 630 स्क्वायर फीट में हमें 2 बेडरूम छोड़ के अलग से एक पूजा रूम भी मिल रहा है, किचन डाइनिंग अलग है, और रेंटल पर्पस के लिए हमें इसको बाहर में स्टेयर प्रोवाइड किया हूँ। चलते हैं, पहले कॉलम बना लेते हैं। इसमें कितना कॉलम का ज़रूरत होगा, देखिए 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमने 12 कॉलम बना लिया हूँ, मतलब 12 कॉलम का हमें ज़रूरत होगा। देखिए हर कॉलम ग्रिड में है, मतलब ये घर का स्टेबिलिटी बहुत अच्छा होगा। और कॉलम का जो साइज होगा ये हमारा 10 इंच बाई 10 इंच का होगा व्यूअर्स। और फिर चलते हैं, इसका वॉल भी बना लेते हैं, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल वॉल। ये देखिए, ये हमारा एक्सटर्नल वॉल पहले मैंने बना लिया हूँ, जिसमें हमने विंडो भी इसमें प्रोवाइड कर दिया हूँ। सो आप चलते हैं, हमारा जो इसमें स्टेयर है, ये देखिए ये स्टेयर हमने भी बना लिया हूँ। और साथ में चलते हैं, हम इसका वॉल भी बना लेते हैं, जो पार्टीशन वॉल मतलब इंटरनल वॉल, दोनों वाले हमने 5 इंच का रखा हूँ, और एक्सटर्नल और इंटरनल वॉल मैंने 5 इंच का रखा हूँ, क्योंकि हमारा जगह जो है वह छोटा है। सो ये हमने, ये देखिए ये इंटरनल वॉल जो कि 7 फीट 6 इंच तक हमने उठा लेता हूँ व्यूअर्स। और फिर हमने चलेंगे इसका जो डायमेंशन डिटेल्स होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और मेनली तो हमें ज़रूरत होगा डायमेंशन, डायमेंशन ना होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा रूम हमने कितना बड़ा और छोटा बनाया हो। ये हमने वॉल जो है ये बना लिया हूँ। सो भी हुआ, साहब चलते हैं इसका डायमेंशन के पर्पस हमने जाते हैं। और डायमेंशन देखने से पहले, जो लोग हमारे चैनल में नया जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और पहले अब चलते हैं इसका फर्नीचर लेआउट देख लेते हैं। ये देखिए फर्नीचर, जिसमें कि हमें पता चला यहाँ पे हमने क्या प्रोवाइड किया हूँ, 2 बेडरूम, डाइनिंग ड्राइंग किचन, और एक टॉयलेट और पूजा रूम। ओके, ये अब चलते हैं इसका डायमेंशन देख लेते हैं। ये देखिए जो 630 स्क्वायर फीट का एक साइड में जो लेंथ है ये 30 फीट है, जो फेस में हमें मिल रहा है ये 21 फीट है। ओके, और जो हमारा प्लिंथ हाइट होगा ये 1.5 फीट है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, जो रोड से हमारा घर हाइट होगा वो 1.5 फीट में। इसी हिसाब से हमने हमारा जो है 3 स्टेप भी प्रोवाइड किया हूँ, जो कि 6 इंच का होगा। ये प्लिंथ हाइट है और प्लिंथ प्रोटेक्शन एरिया है। ओके, हमारा जो बिल्डिंग हाइट होगा ये 10 फीट होगा, उसी हिसाब से हमने हमारा स्टेयर प्रोवाइड किया हूँ। और जो हमारा मेन डोर के बाद ही हमने, देखिए जो हमारा स्टेयर है ये देखिए, स्टेयर का जो लेंथ है ये 3 फीट है, और जो ट्रेड है ये 9 इंच है, और जो राइजर है मतलब हाइट है ये 6 इंच का है। मैंने इसी तरह देखिए 20 स्टेप मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हूँ, क्योंकि हमारा बिल्डिंग हाइट जो है ये 10 फीट का है। और देखिए स्टेयर केस हमने कितना एरिया में किया हूँ, वो है देखिए 6 फीट बाई 13 फीट 9 इंच, मतलब 13 फीट 4 इंच का। इसी के अंदर हमने हमारा लैंडिंग मतलब स्टेयर पैसेज और स्टेयर बनाया हूँ। अब चलते हैं, हमारा जो हॉल का गेट होगा, मतलब हमारा जो प्राइवेसी है, हमने अगर रेंट में देना चाहते हैं तो स्टेयर अलग है, बट हमारा जो अंदर वाला जो है ये है। तो यहाँ पे जो मैंने डोर का साइज रखा हूँ 3 फीट 5 इंच बाई 7 फीट का है। और देखिए ये ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम से एक साइड से हमारा वाशरूम में जाने के लिए, और वाशरूम से हमें हमारा टॉयलेट जाएंगे यहीं से वाशरूम से। और फिर हम चलते हैं, हमारा जो ड्राइंग रूम है, ड्राइंग रूम का साइज़ देख लेते हैं, 8 फीट 11 इंच हमारा चौड़ाई है, और जो इस तरफ लंबा है ये हमारा 11 फीट 4 इंच का है। सो 8 फीट 11 इंच और 11 फीट 4 इंच का हमारा ड्राइंग रूम। और ड्राइंग रूम के पीछे हमने टॉयलेट एंड बाथ एक ही दिया हूँ, सो उसको देखेंगे। टॉयलेट के सामने हमारा जो कि वाशरूम है, वाशरूम का जो साइज़ है ये 3 फीट 6 इंच का वाइड है, और चौड़ाई जो है ये हमें टोटल 4 फीट 5 इंच का मिलेगा। पहले हमें यहीं से डोर एक्सेस करेंगे टॉयलेट का, और टॉयलेट का जो डोर होगा ये 2.5 फीट बाई 7 फीट का है, और टॉयलेट का जो साइज़ है ये हमने चौड़ाई में 4 फीट रखा हूँ, और
जो हमें लंबा है ये 7 फीट 6 इंच का है। हमने यहाँ पे एक ही वेंटिलेटर प्रोवाइड किया हूँ जो इसका साइज़ 2 फीट बाई 2 फीट वेंटिलेटर है। ओके व्यूअर्स, अब चलते हैं हमारा जो किचन है, ड्राइंग रूम होके हमें किचन, ड्राइंग और किचन हमने बिल्कुल सामना सामने रखा हूँ। पहले जो किचन का डोर है वो बना लेते हैं। किचन का जो डोर का साइज़ है ये 3 फीट बाई 7 फीट का है, और किचन में हमने एक ही विंडो प्रोवाइड किया हूँ जिसका साइज़ 3 फीट बाई 3 फीट है, और किचन का जो साइज़ होगा ये 6 फीट 5 इंच बाई इस साइड में होगा, 7 फीट का है ये हमारा, 7 फीट का है। ओके व्यूअर्स, अब चलते हैं हमारा जो डाइनिंग रूम है, मतलब डाइनिंग प्लेस है ये, इसका देखिए वेट, मतलब जो चौड़ाई होगा ये 6 फीट 5 इंच का है, और जो लंबाई होगा लंबा वाला पोर्शन में ये यहाँ से यहाँ तक ये होगा 6 फीट 10 इंच का है, और हमने डाइनिंग प्लेस में एक ही विंडो प्रोवाइड किया हूँ जिसका साइज़ 4 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस। और डाइनिंग के बाजू में हमने देखिए एक रूम बनाया हूँ जिसको पूजा रूम कहते हैं, और पूजा रूम में हमने जो साइज होगा ये 3 फीट 6 इंच बाई 5 फीट का हमने पूजा रूम रखा हूँ। आप लोग चाहते हो तो इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं, बट एक पूजा रूम का तो ज़रूरत होगा इसीलिए पूजा रूम दिया हूँ। अब चलते हैं बेडरूम का जो हमने यहाँ पे डोर है वो बना लेते हैं। बेडरूम का जो डोर है 3 फीट 4 इंच बाई 7 फीट का है, और बेडरूम का जो हमने यहाँ पे साइज रखा हूँ ये 9 फीट 9 इंच बाई, इस साइड में हमें जो मिलेगा ये 11 फीट, और इसमें मैंने 2 विंडो प्रोवाइड किया हूँ जिसका साइज 4 फीट बाई 4 फीट 6 इंचेस करके है। चलते हैं दूसरा बेडरूम में है, दूसरा बेडरूम का जो डोर है वो भी पहले बना लेते हैं, और डोर का साइज़ जो होगा 3 फीट 4 इंच बाई 7 फीट का है, ये 7 फीट का है, और साथ में जो बेडरूम का साइज़ होगा ये देखिए ये जो चौड़ाई वाला साइड में होगा ये 10 फीट है, और जो लंबाई वाला पोर्शन होगा ये 11 फीट है। सो व्यूअर्स, ये इंटरनल डायमेंशन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हूँ, और विंडो वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और हमारा जो आज का हाउस प्लान है आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।